इसलिए उसको सम्मान करो। और जो निरंतर कृष्ण नाम करता है, किसी की निंदा नहीं करता, नाम करता है उसमें, उसको अंदर और बाहर दोनों से प्रणाम करके उसका आदर। और जो इससे भी ऊंचे उठ गए हैं, नित्य लीला का स्मरण करते हैं, उनको संसार का कोई परवाह नहीं है, ऐसे लोग के चरणों में अपने को भेज दो, तन मन प्राण सब प्रकार से उनकी सेवा करो और उनकी कथाओं को सुनो, तो ऊंचे उठ सकेंगे। नहीं तो ये मेरे गुरु के शिष्य हैं और उनसे भी लड़ाई है, और दूसरे को सम्मान मत दो, हमारी एरिया में मत आओ, उसे कोई सीखो मत, वैष्णव का विरोध है। तो वैष्णव का विरोध हुआ था तो फलेंगे आप, इसलिए स्वामी जी नहीं आए थे, ये इतनी गंडी नहीं, तो बच्चों को भी स्नेह करते थे, आदर करते थे, जिसे संन्यास हमारे गुरु जी से दिया, सुधर महाराज और हमको इतना आदर देते थे, एक साथ में बैठाते थे, एक साथ में हम लोग खाते पीते सब उनकी सेवा, उनको शिष्य जैसा नहीं समझते थे गुरु भाई, क्योंकि हम लोगों ने संन्यास एक साथ लिया। कितना ऊंचा महान व्यक्ति थे, और ये लोग संप्रदाय कम अपने अपने आप में भी नहीं बनते, दूसरे लोगों को सम्मान दे गई उसके लिए हृदय चाहिए। तो आप लोग अभी हैं, अभी चल रहा है, आप लोगों के बाद में न जाने क्या होगा, आप लोग तो अभी कुछ संभाले हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपने सन्यासी भेजते हैं जो वहाँ पर फंस जाए, और हाँ सब शिष्य से कहते हैं जैसे इनके यहाँ कोई मत जाए, हम लोगों के यहाँ देखिए जीव गोस्वामी थे, हृदयानंद अपने शिष्य श्यामानंद को भेज दिया, जाओ उनसे सीखो, मैं उतना नहीं जानता, मैं जाओ उनके पास। लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य नरोत्तम ठाकुर जी, उनके पास में, जीव गोस्वामी के पास में सीखे। उन्होंने कहा जैसे मैं दीक्षा नहीं देता, लोकनाथ गोस्वामी के यहाँ जाओ, मैं किसी को दीक्षा नहीं दिया, और सभी लोग उनको गुरु मानते हैं, गुरु गोस्वामी ने किसी को दीक्षा नहीं, गोपाल भट्ट गोस्वामी शिष्य श्रीनिवास आचार्य सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई हैं और रूप गोस्वामी के गुरु हैं, किंतु वो कहते हैं कि कब रूप गोस्वामी हमारे ऊपर में कृपा करेगा तो महाप्रभु की बात मैं समझूं, रूप गोस्वामी की कृपा के बिना नहीं, बड़े भाई होकर के कितना उनको सम्मान देगा। ये वैष्णव है, यदि वैष्णव को सम्मान नहीं देंगे तो भक्ति क्या, ये भक्ति से वैष्णव आदमी होता है। आप परिणाम कर रहे हैं भगवान के प्रति श्रद्धा, ये तो भक्ति है ना, और ये भगवान की लादनी और संबित शक्ति की सार है, थोड़ी अभी आई है तो भी ये भक्ति है। भक्ति की वजह से हम भक्ति वाले को तो प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, और भक्ति को आदर नहीं करेंगे तो भक्ति देवी रूठ जाएंगे, नहीं आएंगे, ये समझ में नहीं है लोगों को, ऐसा उदार विचार होना चाहिए। यदि भक्ति देवी देखी जो भक्तों का आदर नहीं करता को, उसके पास से यदि रहेंगे भी तो वहां से हट जाए। जहां जहां पर भक्ति है वो तो बात क्या, एक चींटी को भी, एक पेड़ पौधा को भी, एक कृपा को भी भगवान उसमें आदर देना चाहिए। जिस गैया का दूध ठाकुर जी की सेवा में लगता है वो गैया भी हमारे लिए प्रणम्य है कि नहीं। राधा जी कहती हैं जब मैं गाय होकर के आती तो कृष्ण के निकट में पहुंच जाती तो कृष्ण हमको पुकारते और ऐसा लोरी करते
मैं दुर्भाग्नि, ऐसा नहीं हो सकी। उससे तो ये हिरण्य अच्छे हैं जो अपने पतियों को लेकर के और हमारे पास कृष्ण के पास में जाती हैं, उनके हिरण्य भी, और ऐसा मालूम होता है जो प्रणय की भीख मांग रही हैं। हिरण्य कृष्ण की बांसुरी सुनकर के उनके पास में चली जाती है और एक टक देखती है और उसका पति पीछे खड़ा रहता है। मतलब वो कहता है जी जाओ देखो, मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तुम जाओ, और हमारे पति हमारे बिल्कुल कृष्ण से मिलने नहीं देते, मैं मर करके हिरण हूँ। फिर कहते हैं जैसे ये जमुना जी धन्य है जो कृष्ण उसमें गोता लगाते हैं और जमुना जी उनकी बंसी की आवाज सुन करके चरणों में उपहार पुष्प की देती हैं। हमारा जन्म धन्य, हमारा जन्म ऐसा नहीं, हम कृष्ण से मिल नहीं पाते, क्यों? हमारी सास जोटिला सब समय जटिला पकाती है, झगड़ा करती है, ननद भी वैसी कुटिला, और हमारा पति अभिमन्यु महाक्रोधी, कृष्ण का नाम गंध सुन करके बिगड़ जाते हैं, और सब समय यशोदा मैया के पास में शाम और सवेरे वो रहते हैं, और सखियों सब बड़े बड़े सब सखा लोग रहते हैं, नंद बाबा रहते हैं, मैं कब उनसे मिलूं? कभी नहीं मिल पाऊँ। कहते हैं वो आकाश में जो मेघ हैं वो धन्य हैं, जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते हैं तो वो छाया करके और पानी के बंदे शीतल शीतल उनके ऊपर, हमने वैसी सेवा नहीं कर सकते। भक्त तो ऐसा होगा ना जो सबको भक्त देखे, सबके प्रति भावना रहे, तब वो भक्त है, भक्त ऐसे नहीं हुआ जाता। एक समय रूप गोस्वामी जी भजन कर रहे थे, भजन करते करते एक खंज कृष्णदास अर्थात तो लंगड़े कुछ थे, तो वो उनसे जूनियर थे, वृंदावन में रहते थे, तो उनको दर्शन के लिए गए रूप गोस्वामी, और रूप गोस्वामी में समाधिस्थ होकर के कृष्ण की लीला देख रहे हैं, और उसमें ऐसी लीला देखी जिसमें उनको हंसी आ गई। हाँ। मधुमंगल जी ऐसी बात कुछ कर रहा था जैसे कृष्ण हंसने लगे और उनको देख करके ये भी हंसने लगे रूप गोस्वामी, जो भीतर में हंसने लगे तो मुख पर भी उसकी आभा आई, और खंज कृष्णदास जो लंगड़े थे वो उनको आकर के प्रणाम किया, हंस रहे हैं, तो सोचा जैसे मैं लंगड़ा हूँ इसलिए देखकर के हंस रहे, बड़े दुखी हो गए और लौट करके चले गए। थोड़ी देर बाद ध्यान भंग हुआ समाधि, तो अब मन नहीं लगे, उन्होंने सनातन गोस्वामी जी से कहा कि हमारा मन नहीं लगता है अब समाधि में, लीला नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि कुछ गड़बड़ हो गया, सब वैष्णव को निमंत्रण दो। तो जी गोस्वामी छोटे थे, कहा जी जाओ सब वैष्णव को कहना जरूर सनातन जी ने आपको निमंत्रण किया, आज दोपहर का प्रसाद भिक्षा हमारे यहाँ पर। सब लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अन्य कृष्ण मैं नहीं जाता, हमको देख करके हंसते हैं, हम उनको श्रद्धा करते हैं, आदर करते हैं, और मैं गया प्रणाम किया और हमको देख करके हंसने लगे, तुम नहीं आए। तो जी गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी जैसे वो तो सब लोगों ने निमंत्रण स्वीकार किया, वो नहीं आ रहे, तो कुछ असंतुष्ट थे, तो जब वही पद कुछ गड़बड़ है। रूप गोस्वामी को रूप गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया, आप तो वो रोने लगे, आप इतने महान होकर के और हमको प्रणाम कर रहे हैं, किंतु उस समय आपने हंस क्यों दिया? मैं तो नहीं हंसा, वो मैं लीला देख रहा था कृष्ण और इसलिए देखा मधुमंगल ऐसे कुछ हरकत कर रहा है कि कृष्ण हंस रहे हैं, सब सखा लोग हंस रहे थे और मैं भी हंस रहा। ओ मैंने सोचा मुझे आप मुझे देख करके लंगड़े और आपने हंस दिया, ओ मैं तो ये समझाता हूँ हमारा ये आपके चरणों में अपराध हो गया। और रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि नहीं, हम आपको देख करके हंस दिया, उस समय हंसना नहीं चाहिए था, किंतु मैं तो होश में नहीं था,
ये मेरी अनजान में हुई है, आप क्षमा कर दीजिए। और ये करें नहीं, हमारा अपराध हो गया, आपके चरण में दोनों में रोने लगे खंज कृष्णदास। फिर गोस्वामी ने उनको क्षमा कर दिया। फिर प्रिंस देखिए, छोटे से भक्त के लिए फिर रूप गोस्वामी जैसे महापुरुष के परम थे और सम्मान दे रहे, तो हम लोगों में वैष्णवता का ये है कि अभी हरिनाम जो कर रहा है उसको भी सम्मान दो। यदि सम्मान नहीं देने का कैसे भजन होगा? ये सम्मान भक्ति का सम्मान। तो आजकल सब ये धीरे धीरे, ये मेरे गुरु के भाई हैं तो हमारे, और उनसे भी नहीं बनती, किसी को सम्मान नहीं देना चाहते। जो सम्मान नहीं देगा उसको कोई सम्मान नहीं देगा, और जो सबको सम्मान देता है उसको पृथ्वी सम्मान देगा। कहा गया बाचो बेगम मनस क्रोध बेगम जीवा बेगम दुरोपस्थ बेगम सब सारे जगत को वो शिष्य कर सकता है, जगत का वो गुरु जिसने अपने मन के वेग को दमन कर, क्रोध को, जीवा के वेग को, जीवा बड़ी उबड़ी है, इसमें ऋण नहीं है, सब जितने झगड़ों की खुराफात ये जीवा से होती है, उल्टा सीधा बोलने से। द्रौपदी ने कह दिया अंधा का पुत्र अंधा है, तो उसी के लिए महाभारत लिखा। और सीता जी ने लक्ष्मण जी को कुछ कड़वे शब्द बोल दिए, तुम नहीं जा रहा है लक्ष्मण, और तुमको बुला रहे हैं तुम्हारे भाई, और तुम नहीं जा रहा है, तुम चाहता है कि वो मर जाए, तो मैं हमारे साथ शादी कर दूँ, ये कभी नहीं। और लक्ष्मण जी बड़े दुखी थे और गए, सीता जी का हरण हो गया। फिर महापुत्र इसलिए ये जीवा बड़ी लपलपाती है और सब खुराफात की जड़ है, इसको कंट्रोल में होना चाहिए, उधर उपस्थ का वेग भी होना चाहिए, तब दूसरों को हम सम्मान दे सकेंगे। और जब तक सम्मान नहीं देंगे, जना तक सुनेच नहीं होंगे, घासों से भी दीन हो, पेड़ों से भी सही सुनो अधिक, दूसरों को सम्मान दे और अपना सम्मान मत चाहे, ये तब होगा वैष्णव। और ये हरिनाम कर सकते, नहीं तो हरिनाम करने पर भी हरिनाम का कोई फल नहीं। ये सब वैष्णव एडिकेट हैं, वैष्णव विचार हैं, तो वैष्णव जब अपने से ऊपर से वैष्णव को जो हमसे उन्नत श्रेणी के हैं उनका संग नहीं सुनेंगे, उनकी शिक्षा नहीं लेंगे, तो हमारा क्या कल्याण। इसलिए साधु संग, साधु संग, साधु संग, थोड़े से साधु संग से ही हमारा कल्याण, बिना साधु संग के किसी का कल्याण नहीं। आपका भजन ठीक चल रहा है, किसी का दोष मत देखना है, किसी का दोष नहीं, दोष अपना देखना है। यदि ये कोई कहता है कि इसके वजह से हमारा भजन नहीं हो रहा, ये गलत, अपने कर्म के लिए हम दोषी हैं, हमको किसी का दोष नहीं देखना है, किसी का दोष तो देखना है कि हमारा दुर्भाग्य है, भजन में रुचि नहीं हो रही तो होनी चाहिए, तो रुचि कैसे होगी? नाम लेने में रुचि नहीं होती, नाम में जब रुचि हो जाएगी तो दिन रात उसके सिवा कुछ नहीं अच्छा। और कृष्ण ने कहा है सर्वधर्मान परित्यक्त मामेकम शरणम अहम ताम सर्व पाप मोक्ष। क्या मतलब? जिसने who has surrendered totally and he has given up all his duties of body and related to this body,
एवरीथिंग ही हैज, उसने देह और दैहिक सब कुछ छोड़ दिया, और आत्मधर्म और परम धर्म अपने शरीर के लिए सूत्र जितने प्रकार के इसको भी छोड़ दिया, दूसरों से जो रिलेशन था उसको भी टोटली छोड़ दिया, वर्णाश्रम धर्म को भी पूर्ण रूप से छोड़ दिया, सारी संपत्ति सबके प्रति कुछ भी नहीं रहने। जो ऐसा करके हमारा शरणागत हो जाता है और हमारी सेवा करेगा, तो मैं उसका सारा जितना है दुख है पाप जो कुछ है मैं सब कुछ से छुटकारा उसे दिला देता, मेरी प्रतिज्ञा है, तब उसका आई टेक द होल बर्डन ऑफ हिज एवरीथिंग, तब कैसे इसका कल्याण होगा, ददामि बुद्धि योगम तं येन मां, हाउ ही विल हैव द सर्विस ऑफ कृष्ण, आई हैव टू मैनेज, कृष्ण इज टेल आई मैनेज, आई गिव इंटेलिजेंस, हाउ ही विल हैव द सर्विस ऑफ कृष्ण, आई मैनेज द एसोसिएशन ऑफ हायर क्लास ऑफ कृष्ण, इवन आई मे गो हिम टू हिम इन अदर शेप like Guru and Vaishnava. So I think that this is my duty. Even I take the burden that how his life will go, this life also, very easily. Ananya chintayam to mam janadi parjubaste tesham mitra. ये जीवन के निर्वाह का भी दायित्व तो मैं ले लेता हूँ, और अपने कंधों पर भी जरूरत होती है तो होकर इतना मैं करता, फिर किस लिए चिंता। गीता का इसीलिए यह श्लोक सबसे ऊंचा है, कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि ऐसा कोई करता है तो मैं सब भाग, खाने पीने की भी चिंता नहीं, सभी कुछ वो करते और मैं इसकी उपलब्धि करता हूँ। देखिए हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं अधिक, बहुत थोड़ा अंग्रेजी नहीं जानता था, संस्कृत भी नहीं, कोई चतुर्वेदी और पंचवेदी नहीं था, साधारण सा पढ़ा लिखा, किंतु गुरु वैष्णव की सेवा करने से आज संसार में हमारी बात सभी लोग मान रहे हैं, सुन रहे हैं, सब जगह लोग बुला रहे हैं, क्यों, हमारे साथ में 35-40 आदमी डोल रहे हैं जैसे स्वामी जी के समय में करते थे, ठीक वैसे ही देख रहे हैं, प्रभु हमारी सारी व्यवस्था कर रहा है, ऐसे ऐसे सब भाव निकलते हैं जो साधारण लोगों के लिए बड़ा कठिन है, वो भाव आना हजार वर्ष तपस्या करके भी नहीं आएगा, और सब आ रहे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, कॉलेजों के तीन हैं प्रिंसिपल हैं वो सब आ रहे हैं, मथुरा में चतुर्वेदी विद्यालय है उसके बड़े बड़े जो विद्वान हैं चतुर्वेदी है और सब सब लोग आते हैं, करके पूछता है जी प्रभु क्या कैसी आपके लिए, आप एक तिनके को क्या न, स्वामी जी को कोई भारतवर्ष में नहीं पूछता था, जिस समय में वो संन्यास नहीं लिए थे, संन्यास के पहले उनका बिजनेस फेल हो गया है ना, बंगाल केमिकल से हटा दिए गए, अपनी केमिकल की अपनी वो भी फेल हो गया, फिर जो जो काम किया वो सब फेल, उनकी स्त्री ने कहा जैसे घर से निकल जाओ, उनका बड़ा बेटा ने बोला जैसे घर में नहीं रहने देंगे, छोटा बेटा एक गौ था वो आता था कभी कभी मथुरा में भी आया, वो कुछ ठीक था, और उनके पास में एक दमड़ी नहीं थी, पैसा नहीं थे जो घर चलाए, और वक्तृता वक्ता नहीं दे पाते थे, हाँ प्रवचन करते थे, जहाँ संन्यास लेने के बाद में देखिए जगत जो कहाँ कहाँ, भगवान किसको क्या नहीं करते, पैसा नहीं, सिंधिया नेविगेशन से आए, थोड़े दिन में स्पोन की प्रतिष्ठा कर, ये भगवान की कृपा का तरीका हो सकता,
जो भगवान का भजन नहीं करेगा, है ना, इधर सुनो तुम लोग, भगवान का भजन नहीं करेगा वो कभी नहीं सुखी हो सकता, नहीं हो सकती। इस चीज को गांठ बांध लो। तुम्हारा नाम क्या बतलाया? काली। एक दिन तुमको याद है जो छोटी सी बच्ची थी, नंगी घूमती थी, याद है कि नहीं? नहीं याद। किंतु तुम छोटी सी बच्ची थी और कपड़ा पहनना भी नहीं जानती, तुम रोती रहती थी, करवट भी नहीं फेर सकती थी। आज इतनी बड़ी हो गई ना। अच्छा, तुमको ये ज्ञान है कि तुम जब 24-25 वर्ष की हो जाएगी तो बड़ी हो जाएगी, होगी कि नहीं बड़ी? अच्छा, जबकि तू 50 वर्ष की हो जाएगी ना तो केश में सफेद सफेद केश होने लगेंगे और दांत टूटने लगेगा। और जब 80 वर्ष की उम्र हो जाएगी ना तो लकड़ियां लेकर के चलेगी, सीधे नहीं चल सकती। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी से कुछ भगवान का भजन करना चाहिए। ये शरीर तुमने ये छोड़ देना पड़ेगा, समझ रहा है ना? ये शरीर भी छूट जाएगा, इसके अंदर में आत्मा है, परमात्मा है। इस चीज को रियलाइजेशन, इसके लिए मनुष्य जन्म हुआ। और नहीं बस खाने पीने में मस्त रहोगे तो पशु के समान, यही सबसे बड़ी शिक्षा। इसलिए बचपन से जीवन का निर्वाह तो हो किंतु भगवान का नाम किया जाए, भगवान का स्मरण किया, जीवन में सुखी रह। इन लोगों को दुख कभी नहीं आया, दुख इनसे 1000 कोस भागेगा। भगवान का भजन करते सब लोग आदर करते हैं। बड़े योग्य लोग हैं ये, बहुत योग्य लोग। ये लड़के भी हैं, बहुत अच्छे प्रचार करते हैं, हमारे ग्रंथ छप रहे हैं। इसके लिए जैसे स्वामी जी को उन्होंने भेज दिया अच्छे अच्छे लड़कों, उस समय जब चले गए तो उनकी शक्ति लेते चले गए, बस अब वैसे वैसे रहे। Okay? Yes. तो यहाँ पर तो 5 दिन का प्रोग्राम है। हाँ। आपके आने से हमको उत्साह होगा बोलने में। हाँ। और यहाँ पर किस विषय पर कैसा बोलूं? लटका में आने लेक्चर नहीं हुआ अभी, वहाँ पर नदी में हुआ। बहुत अच्छा, सनातन धर्म के संबंध में बोला, भक्ति के संबंध में बोला, कृष्ण का लीला चरित्र का संक्षेप में कुछ वर्णन किया, बड़ा लोगों को साथ। पहले दिन कम थे, इसके बाद में धीरे धीरे काफी आते हैं। तो ये सब मैनेज, मैं प्रसाद पाऊँ तो समय करीब करीब हो गया है, आप लोग भी प्रसाद पाए। और कल से तो प्रोग्राम है, पटेल हॉल में आज ही से है जी। तो ठीक है, मैंने आपकी डेप सुनी रही, लास्ट टाइम मैं पाया रहा, मैं नहीं रहा तो आपकी टेप रखा और सुना रखा। हाँ, भक्ति के बारे में और सनातन धर्म क्या कहा जाता है, जो अभी यहाँ पर बोला है जी, अभी जो आप बाद में बोला रहा। अच्छा, वो जो लेक्चर बताता रहा वो सनातन धर्म का बोलता, कुछ यहाँ ले कुछ यहाँ ले, तो फिर आप जब बताया कि भाई ऐसा नहीं है, इसको सनातन धर्म बोला जाता है, राष्ट्र भक्ति है, सैख्य भक्ति है, बात से और जो
माधुकर इसको भक्ति बोला जाता है, इसको सनातन धर्म बोला जाता है। ये सनातन धर्म, ये सब जो तुम बताता है वो नहीं है, वो नहीं है, मैंने बतलाया खूब अच्छी तरह से। और आप प्रभुपाद का भी बता रहा है, हाँ प्रभुपाद कुमार गुरु है, ये है सब कुछ से वो पता है सब सुनना, बहुत अच्छा रहा आपका। What's that verse from the Gita where Krishna is saying why he comes in every age to maintain Dharma? So Gita is saying, why does Krishna come? But this shloka says he comes to maintain Dharma and to kill demons. He protects the families, he protects society, and he comes every yuga. So when Dharma declines and demons are powerful, Krishna says, I come and I protect and maintain Dharma. But Gita said the question arises, which sort of Dharma does he protect? Because Krishna also says, Sadhava Dharma Pradipta Jamami Kam Sadhanam Bhaja Ham Tam Sava Papa Yom Chisyana Masacha. Krishna says, give up all Dharma and surrender to me. But on the other hand, the Gita, Krishna is saying, I come to maintain Dharma. Yet in this shloka he's saying that you should leave all Dharma. So this is like a contradiction. So Krishna says, one who comes to me leaving all Dharma and comes to me alone, I free him from all his sins and I take responsibility for taking him home. So when Krishna also it's like a contradiction, because Krishna also says in the Gita, Agnayavam Gunam Dosam Maya Jistama Isvakam Dharam Sam Tagyasaram Mabhajan Jasa Dukkama. Krishna says, one who sees the faults in all prescribed duties and leaves them secondary and does my bhajan, he's the uttam personality, he's the greatest personality. So Krishna, there's many types of dharma that we see in the Vedas. You should serve your parents, you should not steal, you should not hurt others, you should follow Banashram Dharma. So has Krishna come to establish this dharma? So if Krishna has come to establish this, then which dharma should we reject? So Gita says, when Krishna says Sadhava Dharma Pradipta Jamamikam Sadhanam Bhaja, he's saying that you should leave the dharma of the body, the dharma of the mind, and this Varnashram Dharma. You should leave that thing. But he's come to establish one thing. What's that? Prem Dharma. Dharma of Prem. So Gita say, well, who is a Brahmana? Then he starts talking, then who is a Brahmana? Who is a Vaishya? So a Brahmana is a Brahmana only by birth. No, that one is a Brahmana by the qualities and the work that he undertakes. One is known as a Brahmana by these two things. So when Krishna says, Sarvadharma Pratijja Mam Ekam Sadhanam Bhaja, Mam means me, Ekam means only to me, then the question arises, who is Krishna? Why should we surrender him? And Gita is talking. The Krishna says in the Gita also, Mata Paratanam Nenad Kinshi Dasti Dananja, that there is no truth higher than me. Everything is resting, all truths are resting upon me like pearls are resting upon a thread. And Krishna also says, Brahmana hi pratishtaham, that I am, that Brahman effulgence which the yogis are worshipping, says that is dependent upon me, that is my bodily effulgence. And the Bhagavatam said, Etecham sakalapam sa Krishna stu bhagavan swayam. So when Krishna says that you surrender to me, Mami kam, then who is that Krishna? He is that person which no truth is higher than him. He is the sustainer of the Brahman effulgence, and he is the beginning and end of all the other avatars. They're all coming from his body. So Krishna says, Mami kam, that we should surrender to that Parampurusha Krishna. So we should leave all these worldly attachments, these nimittic dharmas, anicca dharmas. Like Vana, Gurudev was especially saying, we should leave this Varnashram Dharma. He said, even in this world, how many people are following Varnashram Dharma? Gurudev said, very, very few, but this also we have to leave. Krishna has not come for this. So Krishna came to maintain and establish this Prem Dharma. And Krishna says that one who sarva dhamma pratijja mam ekam saranam raja aham tvam sarva papa yo moksha sanyam asvaj. Krishna says that I take that pop.
the pup is my responsibility. Anyone who surrenders to me, he doesn't have to worry about the sin that he incurs about neglecting his worldly duties. Krishna himself says, I take it on my head, it's my problem. It's not my devotee's problem, I take full responsibility for him. And Gurudev said, for example, Sukadev Goswami, he left his mother and parents, and Gurudev was going like this, remember? He's going, so, he did any sin comes through someone like Sukadev Goswami? And Gurudev gave many examples. Sukadev Goswami, Narada Muni, he also left his parents. The Prachetas, they left their parents. Chaitanya Mahaprabhu, Swayam Bhagavan, he also left his wife, his parents, his old mother, they had no other means of support, but he left. Because Krishna says, and then another thing that Gurudev was saying, that any sin will come to someone like Sukadev Goswami because he left his parents, he left this mundane society. No, it's quite impossible. Gurudev says, quite impossible. And anyway, who is the real father? He said, who is your father? And who is your father? And who is his father? And you keep going back, the father of everyone is Brahmaji. And who is his father? His father is Gavadaksai Vishnu. Who is his father? Mahavishnu. Who is his father? Dwarkadish, Sangashan, Mahasangashan. Who is his father? Mulsangashan. Who's his father? Baladev. Who's his father? Swami Krishna. So Krishna's the father of everyone. He's the father of the father of the father of the father. So someone who leaves the mundane mother and father to serve Krishna, actually they're never leaving their father or mother because they're actually really serving their father. That's another thing. So Sukadev, Narad, Pracheta, and Chaitanya Mahaprabhu, they all left their wives and their parents. But Krishna says, Masuchiha, whoever surrenders to me exclusively, Krishna says, I take full responsibility for all their sins. Krishna actually said it many times. But we know, of course, Krishna never takes. Gurudev is saying here, Krishna says, I take it, it's my responsibility. Krishna makes a promise, whoever does this, sattva dhamma prajaja, whoever exclusively surrenders to Krishna. Gurudev says what? I take responsibility for all his sins, the sins in neglecting mundane dhamma. And Krishna says he also takes full responsibility, that person I'll take him back to Godhead. So how does Krishna arrange to take someone back to Godhead? He sends him the Priya Bhaktas. Sometimes he comes himself. Sometimes he comes himself in the form of Shastra. He comes in the form of Ganga Devi, Tulsi Devi. He comes himself in the form of Diksha Guru and Shiksha Guru and Bhajan Guru and Bhattavadaksha Guru. Krishna comes in all these ways to someone who does that sattva dhamma prajaja. And not only did Krishna take responsibility for their spiritual life, but Krishna also takes responsibility for their eating and sleeping. You know, what's that verse? Ananyan Chaitanas. What is it? Ananyas Chintyantur Mam. Ananyas